नमस्कार दोस्तों, हैप्पी छठ पूजा। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी बड़ों को प्रणाम तथा छोटों को बहुत सारा प्यार तथा आशीर्वाद। आप लोगों का छठ पूजा कैसा रहा? और देखिए, जस्ट अभी घाट से आए हैं, थोड़ा बैठ जाती हूँ फिर बात करती हूँ। प्यास लगी है या नहीं लगी है? मुझे भी थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है कि प्यास लग गई है। अब सुबह बस जाना है और अभी रात कटाना है हम लोगों को। सोची आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लूँ। और देखिए, अभी जस्ट आए हैं छठ पूजा से, पूरी साड़ी भीग गई है हमारी पानी में। छठ पूजा में कोई चाहे कि अच्छे से साड़ी वगैरह पहन के जाए, जो भी पहन के जाओ, गीला ही होना है। जैसी भी साड़ी हो, पूरा गीली हो गई हूँ। अब ड्रेस चेंज करने जा रही थी, सोची कि आप लोगों से बात कर लूँ। और देखिए, छठ पूजा का मेरा लुक, तो आप लोगों का छठ पूजा कैसा गया? मेरा तो अच्छे से मतलब निकल रहा है। मौसम ठंडा ही है, उतना ज्यादा धूप सुबह में थी, लेकिन अभी मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ है। अब रात थोड़ा सा कटाना है, उसके बाद सुबह हम लोग निकलेंगे। और देखिए, ये चूड़ी जो मंगाई थी वही चूड़ी पहनी हूँ। आप लोग देखे ही थे, हर चीज़ तो आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। और पूरा बाल वगैरह चिपक गया है सर पे, ये लेने से, साड़ी ओढ़ने से। तो यही मेरा छठ पूजा का लुक था। आप लोग अपना बताइएगा, आप लोगों का छठ पूजा कैसे हुआ, किसके किसके यहाँ कितना ठेकुआ बना नहीं बना? और दोस्तों, आप लोग पूछते हैं तो नहीं, मैं एक ही छठ करती हूँ। मैं बताई हूँ कई वीडियोज में, मैं खरना नहीं करती हूँ, केवल बड़ा वाला छठ जो हम षष्ठी के दिन करते हैं ना, वही छठ मैं केवल करती हूँ। एक ही छठ पूजा करती हूँ, दोनों नहीं करती हूँ। और साड़ी कैसी लग रही है? अगर आप लोगों को चाहिए तो लिंक दे दूंगी, जरूर बताइएगा लोग कि साड़ी कैसी लग रही है। और इसमें हाथी डोली वगैरह सब बने हैं, पूजा के लिए अच्छी है। चुनरी साड़ी है, देख सकते हैं आप लोग, पूरी चुनरी प्रिंट है, तो मुझे बहुत पसंद थी। और ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आप लोग पीकॉक वाला बोलते हैं ना, उससे ये साड़ी ज़्यादा बेहतर है। कपड़ा भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छा है। तो अगर आप लोग चाहे तो मंगा सकते हैं, ऐसे मैं कम्युनिटी में लिंक दे दूंगी, ठीक है, अगर आप लोगों को चाहिए तो। चलिए, अब आप लोग भी आराम कीजिए। घाट से आए होंगे, बहुत भीड़ थी वहां पर भी, और लोग दे रहे थे, कुछ लोग पहले भी दे दिए थे, कुछ लोग लेट से पहुंचे थे। ऐसे कर करके सबका पूजा पाठ हो गया। अभी चलिए आराम किया जाए, अब कल फिर से चलेंगे। शाम सुबह तो और अधिक भीड़, प्रसाद वगैरह वितरण करना। और अब थोड़ा थोड़ा सा प्यास मुझे भी लग रही है। और देखिए, बांह पे भी, इस पे ये ब्लाउज पीस है, इस पे हाथी बना हुआ है, डोली है, हाथी है। साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आप लोग बताइएगा कैसी। और ममता तिवारी का मेहंदी तो ऐसा ही रहता है, काम चलाऊं। एक और हाथ का आपको दिखाती हूँ, देखिए। बस जैसा समय मिलता है दोस्तों, वैसा मैं बना लेती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा रच रच के बनाने का, एक तो टाइम भी नहीं रहता और मुझे उतने अच्छे से मेहंदी लगाने नहीं आता है, तो इसलिए बस टाइम पास कर ले। देखो, इस बार अच्छे से चढ़ा है। और करवा चौथ में उसी दिन लगाई थी, तो अच्छे से चढ़ने का मौका नहीं मिला। और आंवला नवमी के लिए वीडियो डाल चुकी हूँ। आप लोग तुलसी विवाह के लिए वीडियो बोले हैं, दीदी डालिएगा, तुलसी विवाह कब करना है, कैसे करना है, तो ओल्ड वीडियोज मेरा चेकआउट कीजिएगा। और तुलसी विवाह के लिए जैसे फ्री होती हूँ, वैसे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। तो आशा करती हूँ कि ये ब्लॉग, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और छठ माता सभी का गोद भरे। बहुत सारी बहनें बोली हैं, दीदी आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि हमारी शादी का इतने साल हो गया, हमारी शादी का उतने साल हो गया, और अभी तक हमारा गोद जो है भरा नहीं है। तो माता से, बिल्कुल माता से मैं प्रार्थना करूंगी, हे छठ माता, मेरी सभी बहनों का गोद भरिए जिनका भी गोद अभी भरा नहीं है। और आप लोग चाहे तो मन्नत करके ये व्रत उठा सकती हैं, बिना मन्नत का भी उठाया जाता है। अगर आपके घर में ये व्रत जैसे होता है तो आप लोग उठा सकती हैं, लेकिन मन्नत करके भी आप लोग संतान के लिए, अगर भगवान दे देते हैं, माता दे देती है, तो आप लोग ये व्रत उठा सकती हैं, ठीक है। तो चलिए, फिर मिलती हूँ, बाय, धन्यवाद, जय छठ मैया।